और फिर से मैं दोबारा आपके सामने आई हूँ। फिर से मेरा नाम अंजू चौधरी, सिंपल हाउसवाइफ। और आज मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं दे सकती क्योंकि अभी मैं उस लाइक नहीं हूँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तब भी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। यानी ये कह सकते हैं अगर नए भी लोग बैठे हैं, यानी कुछ उनके सपने पूरे हुए हैं। और जो ये ट्रेनिंग है फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग नहीं कह सकते हैं, आपका रियल अनुभव है। और जो मैं आपसे बात करूंगी उसका सिर्फ एक ही टॉपिक है जो मैं आपके साथ पीपीटी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारे अंदर वो पावर है। हमारी पीपीटी आ रही है सर? जी ओके, थैंक यू सर। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मैं कुछ अपने अनुभव के विषय में ही आपसे बात करूंगी। और आप सब लोगों का फिर से इस मीटिंग में मैं वेलकम करना चाहती हूँ, जिसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट मीटिंग। आप सब लेडीज का तहे दिल से वेलकम होता है और जितने भी लीडर्स है उन सबका तहे दिल से वेलकम है। हकीकत में अभी सर ने कहा ना, अभय सर ने, कि निर्णय लेना ही कठिन बात है। क्या मैं वो निर्णय ले पाता हूँ? जो भी अपनी आज जगह पे बैठे हुए उन्होंने एक निर्णय ले रखा है, इसीलिए आज आप अपनी सीट पे हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अपनी पावर को पहचानना है। मेरा टॉपिक सिंपल सा है कि हम लेडीज के अंदर क्या वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ा सकती है इस बिजनेस में। क्या हम उस अपने रोल को हम क्या समझ पाते हैं? बहुत छोटा सा है रोल लेकिन बहुत भारी है। सिर्फ प्रश्न ये है कि क्या हम सब महिलाएं जो ये मल्टीपल जो रोल अदा करते हैं, इतने सारे जो जिंदगी में जीवन में रोल अदा करते हैं, वो क्यों करते हैं? थोड़ा अटपटा सा लगा, मुझे भी लगा था जब मैं इसको देख रही थी। तो सिंपल फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हम इतने सारे जिंदगी में रिश्तों को और अपने रोल को क्यों निभाते हैं? जैसे अगर एक हम अगर एक बेटी है तो हम अपने फादर के साथ का एक रोल निभाते हैं, हम एक बहन है तो हम अपने भाई के साथ अपना एक अपने रिश्तों को निभाते हैं, हम अगर पत्नी है तो हम अपने पति का रिश्ते के साथ निभाते हैं, अगर हम बेटी हैं तो हम अपने पिता के साथ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मेरे अपना परिवार है। हम उनके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स? हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं और जो उनके ड्रीम्स है वो हमारे ड्रीम्स हो जाते हैं। यहाँ पे इस चीज को बहुत क्लियर करना है फ्रेंड्स, लेडीज जितनी है, कि ड्रीम्स क्या है। ड्रीम्स वो होते हैं जो हमारी जरूरतें हैं, हमारे काश, वो हमारे सपने हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर जब हमारी शादी होती है तो पति के जो सपने होते हैं वो हमारे हो जाते हैं, हमारे बच्चे होते हैं तो हमें उनके सपनों को पूरे करने हैं, जो उनकी जरूरतें हैं वही तो हम चाहते हैं। हम अगर हमारे सास ससुर हैं तो हम उनके साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहेंगे क्योंकि वो उनकी भी कुछ चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लेडीज को ये क्लियर होना चाहिए कि ड्रीम्स क्या होती है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी चाहत है, जो हमारी जरूरत है। और ये जरूरतें होती क्या है? अपना खुद का घर, अपनी खुद की गाड़ी, अपने बच्चों के पास के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताना और अपने हस्बैंड का पूरा टाइम मिलना, यही तो हमारे सपने हैं। अगर ये सारे सपनों से आप दिल से इमोशनली कनेक्ट हैं तभी आज आप यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत सारे रोल और भी अदा करते हैं। कैसे करते हैं? एसेट बिल्ड करने में, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, एम्बे के द्वारा हम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। हमारा साथ कौन देगा फ्रेंड्स? ये BWW सिस्टम देता है और एम्बे देता है, प्लस जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपके अप्लाइंग करते हैं। तो हम ये कैसे करें? कैसे करने से पहले करेंगे क्यों? जैसे सर ने कहा ना कि हमें पक्का इंतजाम करना है, कच्चा इंतजाम नहीं। कच्चा इंतजाम तो ऑलरेडी हमारे पास है। क्या हमारे पास प्लान ए है? क्योंकि इस कोविड ने बहुत लोगों को छीना है, अपनों को छीना है, और उससे हमें आज ये क्लियर होता है कि आज हमें एक ऐसी मजबूत पाइपलाइन डालनी ही डालनी है, कोई सोल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। और लेडीज का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। अगर मैं ये देखूं तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। हम हमेशा करते रहते हैं, हम महिलाएं क्या करती हैं, हर चीज को व्यवस्थित रूप से करती है। अगर आपका बच्चा मॉर्निंग में जा रहा है, आजकल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब जाता है तो हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, अन्यथा क्या कभी उठते थे? हमें मालूम था क्योंकि वहां पे हमारा एक गोल क्लियर है।
तो इसमें हमें प्योरिटी को सेट कैसे करना है, इमोशनली करना है और उसे क्लियर रखना है। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद, भगवान आज हम सुरक्षित हैं, हमारी फैमिली सुरक्षित है। दूसरा, हमारी फैमिली जिनके सपनों को पूरा करते करते हमारी जिंदगी कब निकल जाती हमें पता ही नहीं चलता है, हम अपना नाम भूल जाते हैं, हम उनको संवारने में लग जाते हैं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी ने हमें अपनी वैल्यूज दिखाई कि आप अपनी वैल्यू समझो और आपकी फैमिली की तो वैल्यू होगी। हो जिंदगी भर हम वो करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना मृत कृष्णा की तरह घूमते रहते हैं और पर वो ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स वो हो जाएंगी अगर हम लेडीज चाहे तो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी जॉब, जहाँ से हमारी इनकम आती। बहुत सारी लेडीज हैं जो जॉब करती होंगी या जेंट्स जॉब कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहा होगा, बच्चे होंगे, कोई गर्ल्स होंगी जो बहुत स्टडी कर रही है, आप उसको रखिए अपनी थर्ड जगह पर। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये बिजनेस होगा हमारा, एमवे बिजनेस। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में पहले ही है कि इमोशनली अगर हम इस बिजनेस से अटैच हैं, अगर ये मेरे दिल में बसा है तो ये बिजनेस हमारा हो जाएगा। पर मैं दिल में बसाऊंगी क्यों? जो मैंने आपको सपने बताए, जो आपके ड्रीम्स है, वही तो इस बिजनेस की बैकबोन है। क्या आपको जब इस बिजनेस में आप जब अपने सपनों को देखते हैं, क्या आपके दिल में दर्द होता है? क्या आपकी आंखों में आंसू आता है? यस, मेरे आता है। जैसे ही आपको अपना गोल दिखेगा ना फ्रेंड्स, सीधे आपके दिल से ये उतरेगा और आपकी आंख से ये बहेगा कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और हम लेडीज की बात अगर करें, महिलाओं की, तो जिस चीज को ठान ले उसको शायद ईश्वर भी आके बदल नहीं सकता। कहते हैं ना कि एक लेडीज अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वो लेडी ना चाहे तो बहुत कुछ बना देती है, राइट? क्यों होता है ऐसा? स्वर्ग वो क्यों बनाती है? क्यों? क्योंकि वो फैमिली उसकी होती है, वो बच्चे उसके होते हैं, वो पति उसका होता है, वो रिश्तेदार सारे उसके होते हैं, इसलिए वो उसको घर को स्वर्ग बनाती है, क्योंकि उनसे उनके सपने जुड़े हुए हैं। इस बिजनेस में भी हमें अपने सपनों को जोड़ना होगा। जैसे हम इस सपने को जोड़ लेंगे तो हम इस बिजनेस के माध्यम से अपने घर में स्वर्ग ला सकते हैं, अगर हम चाहे तो। ये चीज हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद का जो होता है कि हम अपने ड्रीम से हम कैसे कनेक्ट हो। सबके पास ड्रीम है, सब चाहते हैं कि ये मुझे चाहिए, लेकिन क्या दर्द होता है जब उस बार वो नहीं मिलता है? क्या दिल में दर्द होता है कि काश ये मुझे मिल जाना चाहिए? अभी अभय सर और मधु मैम ने आपको बहुत कुछ बताया कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया था। उस समय से ज्वाइन करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ चीजें बेची, उसके बाद इस बिजनेस में उन्होंने साइन अप किया था, क्योंकि वो उस बड़े विजन को दूरदृष्टिता से उसको देख चुके थे वो। आज हमारा है समय, आज हम अपने घर में बैठ के इस पेंडेमिक में भी हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली दिल से उससे कनेक्ट है। जैसे कहते हैं ना अपनी फैमिली से हम कनेक्ट है, वैसे ही इसमें हमारे सपने कनेक्ट हो चुके हैं इमोशनली, और हम दिल से कनेक्ट है, इसलिए हम वो दिल से कनेक्ट करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गोल बनाना है, गोल बनाने में हम माहिर होते हैं। इसी लोग तो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो 90% रोल इसमें हमारा ही है। हम लेडीज को कहते हैं ना कि अपनी प्रतिभा पहचानो, 80% यानी कहो कि अगर इसकी बैकबोन की अगर मैं बात करूं तो पूरी लेडीज है, महिला है। कहते हैं ना कि एक औरत के, एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। अगर ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो शायद राजीव जी मुझे यहाँ नहीं लेके आते, कभी वो मुझे अपने ऑफिस नहीं ले गए, आपके भी हस्बैंड कभी ऑफिस नहीं ले गए हो। लेकिन उन्हें यह मालूम है कि जिस तरह आप अपने घर में सेफ हैं, मंदिर में सेफ हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आप सेफ हैं। इसलिए आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है हमारा और आपका, लेडीज का। वो क्या कर सकती हैं? क्यों क्या कर सकती हैं? जिंदगी को संवार सकती हैं। जैसे आप अपने घोंसले को, जैसे कहते हैं ना अपने घरौंदे को संभालते हैं, बाहर की किसी को, आपके बच्चे को कोई कुछ कह दे आप उससे लड़ जाते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कह जाते हैं आप उनसे बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो आपके होते हैं। क्या ये एमवे बिजनेस आपके दिल में आया? बिल्कुल आया है, इसीलिए आज आप लोग यहाँ पे हैं। और अगर थोड़ा सा भी नहीं आया, इसका मतलब क्या है? मैं उससे दिल से कनेक्ट नहीं हूँ। वही बात आती है कि जब मैं उसे सोचती हूँ और मेरे दिल में दर्द होता है और आंख से आंसू होता है कि मुझे ये चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। अब इसमें हम करेंगे क्या? हमें डेवलप करना है रिलेशनशिप।
वो ईश्वर ने हमें ऑलरेडी दे रखा, हम लेडीज को बस हमें पहचाननी है उस प्रतिभा को। माहिर है हम, दूसरे का घर छोड़ के आते हैं और अपने ससुराल में ऐसे रम जाते हैं कि पता ही नहीं चलता जहां हम जन्म लिया था वो कब हमसे बिछड़ गया। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप किससे बनाना है, सबसे पहले हमारी टीम, हमारी फैम, हमारी हाउस टीम होती है, हमारे हस्बैंड से रिलेशन अच्छे होंगे, हम उनसे अपने अपने सपनों की बातें करेंगे तो हमारे सपनों में इमोशन आएगा और हम उसके साथ दिल से जुड़ेंगे। और वही क्या होगा, हम जब दूसरों से बात करेंगे लेडीज से, तो हम उसके परेशानियों को, उनकी तकलीफों को समझते हैं और हम फिर उनके हिसाब से बात करते हैं। हम बिजनेस नहीं देखते, हम उनका दिल देखते हैं, हम रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि यही हमारा इस बिजनेस का बेसिक पॉइंट है। आप देखिए ना, हर अभी आपने इससे पहले जो हमारा प्रेजेंटेशन देखा था उसमें आपने सिंपल देखा कि हम केयर लगा रखा है, होम केयर, ब्यूटी केयर, न्यूट्रीलाइट का है, हर चीज के पीछे हमारा केयर है, राइट? तो हमें उस केयर के साथ इस रिलेशन बिल्डिंग को करना है। अब ड्रीम बिल्डिंग कैसे होगा? ड्रीम बिल्डिंग सिंपल सा है, क्योंकि उसी ड्रीम के लिए तो हम अपनी दुनिया को सजा के बैठे हुए हैं। क्लियर कैसे होगा? इस एसोसिएशन में आना जिसमें हमें मीटिंग बुक्स और सीडी को सुनना है, उसको बार बार देखना है, उसमें हमें इमोशनली कनेक्ट होना है। आपको कोई और नहीं कनेक्ट कराएगा, आपको खुद करना है। और कैसे होगा? जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ऑलरेडी हम एक्स ब्रांड यूज कर रहे थे, क्या कभी उससे मेरे बैंक में पैसा आया? क्या कभी कोई होप थी? और प्रोडक्ट यूज करने में हमें कोई महारत नहीं चाहिए, शैम्पू लगाना है ऐसे लगाना, कपड़ा धुलना है ऐसे धुलना, सिंपल सा फंडा है। लेकिन क्या मुझे उस साबुन के अंदर अपने सपने दिख रहे हैं? दिखते हैं फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि उस साबुन को लेने के बाद 100% आपके बैंक में पैसा आता है, क्योंकि हर चीज, हर सपनों के पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा कारण है, वो है बहुत सारा पैसा होना चाहिए। उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास क्वालिटी टाइम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के परिवेश में हमारी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं और मिले तो आप बताइए, नहीं मिल सकता फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ पे है। तो हम ये सारी चीजों में बिल्कुल माहिर हैं। अगर हम लेडीज चाहे ना तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बस हमें उनके साथ अपने गोल को क्लियर करना है। कहते हैं ना कि ईश्वर के, देवताओं के बहुत ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन एक दुर्गा माँ के ना 108 नाम है। कारण क्या है कि उनके अंदर वो सारी प्रतिभाएं हैं और हम सब लोगों के अंदर भी। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। आपको लगता है क्या टाइम मैनेजमेंट कोई चीज होती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी हम वो काम करते हैं। अब थोड़ा सा सोच के देखिए, हमारे पास 24 घंटे हैं। जब हमारी शादी होके आती है, हम हमेशा शादी के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बाद की जिंदगी से तो शुरू होती है हमारे सपने। तो हमारे पास वही 24 घंटे होते हैं, फिर हमारे क्या हस्बैंड आ जाते हैं, फिर उनकी फैमिली आ जाती है, तो हमारे पास वही 24 घंटे। लेकिन उसी के बीच में क्या होता है, एक हमारा बेबी आ जाता है, हमारे पास टाइम नहीं रहता। लेकिन हम टाइम निकाल लेते हैं अपने उस बेबी के लिए, क्योंकि वो मेरा है। फिर तब तक क्या होता है, कुछ सालों बाद दूसरा आ जाता है, हम कहते हैं भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा बेबी आ गया, उसमें उसके बाद क्या, हम उसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। पर टाइम हमारा कितना है? वही 24 घंटे। जब हम उसी 24 घंटे में अपने दोनों बच्चों को, जो कि बाद में आए, हमने उनको मैनेज कर लिया, तो ये बिजनेस जो हमारे बच्चों का भविष्य बना सकता है, क्या इसके लिए मेरे पास टाइम निकालना मुश्किल है? बिल्कुल ही नहीं है, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि पहले मैं अपने गोल से तो कनेक्ट हूँ, क्योंकि जो वो गोल है ना, वो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड का टाइम मिलेगा, मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी, एक लेगेसी हम दे सकते हैं, वो विजन हमें दिख रहा है, तो हम टाइम को धीरे धीरे मैनेज करना सीख लेंगे। और वो टाइम हम निकालेंगे कहाँ? सिंपल सा है, जो हम अभी किसी से फोन से बात करते हैं, और क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि वो और से आपके बैंक में पैसा आ रहा है? क्या वो आपके सपने पूरे कर रहे हैं? बस वहां हमें थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करना है, कम बात करनी है। टीवी अगर देख रहे हैं तो शायद आज हमें उस टाइम को, कुछ दिनों के लिए हमें टीवी को बंद कर देना है। अगर हम फेसबुक में, इंस्टाग्राम में है, अगर या फिर हम कुछ और ट्विटर पे है, तो हमें क्या करना है? वहां से हमें अपना थोड़ा सा टाइम को इधर की तरफ मैनेज करना है, जहां से मेरे बच्चों का भविष्य बन रहा है। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए निछावर कर देते हैं, वो हमें मिलती नहीं? लेकिन अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर ले हम लेडीज, तो क्या होगा, हम वो सब चीजें पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में
ये अगर मैं ये पॉइंट जो मैं कह रही हूँ कि ये आज वुमेन को अपने रोल की बात करनी है, उनको अपनी शक्ति मालूम है, इसीलिए आज सोचिए बहुत सारी लेडीज ने अपना आधा खाना बनाकर अपना महत्वपूर्ण टाइम यहाँ पे बैठ के उन्होंने निकाला है। क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर है, वो दिल से जुड़ी है, उनको मालूम है यहाँ से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो क्या हम वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों? आज भी हम भारे बहुत सारे सबके जो हस्बैंड हैं, जो जेंट्स हैं, वो आज भी अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए करने के लिए जब वो बाहर से आते हैं तो वो करते क्या है? सबसे पहले आप सोच के देखिए, वो आते हैं, आइसोलेट होते हैं, काढ़ा पीते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने बच्चों से दूर होते हैं। कारण क्या है? उनका मुद्दा क्लियर है, उन्हें अपने अपनों की केयर है, अपनों की जरूरत है, अपनों की रक्षा करनी है। उसी तरह इस बिजनेस को बिल्ड करना हमारा आज के टाइम में परम धर्म बन जाता है फ्रेंड्स। क्यों? आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और करेंगे क्यों नहीं, कोई भी एक कारण बता दीजिए हमें। आज के परिवेश में अगर आपके पास पार्ट टाइम में 1 लाख रुपया है तो क्या बुरा है? अगर वो आ रहा होता फ्रेंड्स तो शायद कोई भी बाहर व्यक्ति बाहर नहीं जाता उस पैसे को कमाने के लिए। और स्पेशली यहाँ पे सबसे बड़ी की प्राउड की बात ये है फाइनली कि हम महिलाओं ने ये प्रूव किया है कि 71% एमवे को बिल्ड करने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे सपने होते हैं और वो सपने उनके दिल से इमोशनल से जुड़े रहते हैं और वो उनको पूरा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैं कहूंगी कि यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, फिर कहूंगी यहाँ खत्म नहीं होता है। थोड़ा मैं जितने भी यहाँ पे पुरुष प्रधान देश है, ये जितने भी लीडर्स हैं हमारे, मेरी उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आज अब अगर आप सिंगल बैठे हैं तो आप सोच के देखिए आज आप ये इमोशनल बातें आप अपने वाइफ से कैसे शेयर कर सकते हैं। ये बिजनेस आपकी फैमिली के लिए है। आज आप जब बाहर जाते हैं तो अपनी फैमिली के लिए जा रहे हैं, आज आप घर के अंदर आ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए आ रहे हैं। आइसोलेट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपकी वाइफ है, वो आपके बच्चे हैं। अगर वो आज आपके साथ बैठते हैं, अगर आज वो आप उनके साथ बैठे हैं तो आज आपको रात में अपने सपने दिखेंगे। और अगर नहीं बैठे हैं तो क्या आप उनको दे पाएंगे? हमारे वहां बहुत सर कहते हैं ना कि आपको बहुत सारा एक्साइटमेंट मिला है, आप वो झोले में लेके जाइए और अपनी वाइफ को दे दीजिए, क्या आप दे पाएंगे? सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर राजेश जी ये बिजनेस में मुझे नहीं ले गए होते तो मुझे वो विजन नहीं दिखता। तो जितने भी जेंट्स लोग हैं वो सब अपनी वाइफ को लेके जरूर बैठिए, क्योंकि ये बिजनेस आपको वो सब दे सकता है जिसके लिए आप बैठे हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी चाहते हैं? क्या आप अपने फैमिली में वो खुशियां लेना चाहते हैं? क्या आप, जब आप एक चीज और सोच के देखिए, जब आप अपने को वहां से हटाते हैं तो क्या आपकी फैमिली सिक्योर है? और आज क्योंकि हमने बहुतों को खोया है, जब व्यक्ति कमाने वाला चला जाता है, कहने की बात नहीं है, प्रूवन हो रहा है, उस घर की जरूरतें क्या कम हो जाती हैं या 10 गुना बढ़ जाती है? चेक करिए। इसलिए इस बिजनेस को बहुत शिद्दत से, दिल से हमें बिल्ड करना है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने जगे होंगे, अगर नहीं जगे होंगे तो वो ऑलरेडी जग जाएंगे। बस आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली खुश है, आप हैं तो आपकी फैमिली इंजॉय कर रही है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, या क्यों? क्योंकि उनके बच्चे आपकी वजह से सिक्योर हैं। और हम लेडीज का बहुत परम धर्म होता है कि कहते हैं ना कि हस्बैंड अपने दांव पे रखकर उस पैसे को कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्या हम छोटा काम नहीं कर सकते? हम शिद्दत से इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम जो ठान लें तो हम दुनिया को अपने हाथ में, मुट्ठी में कर लें। तो थैंक यू सर, और थैंक यू मैम।